अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों फाइनली अपडेट आ चुकी है एटीएच की कि एटीएच की प्राइस क्या होगी, कुछ दिनों में क्या प्राइस निकलने जा रही है और काफी ज्यादा जो है ना बेचैनी है हमें सेल बाय की। और क्या ये सेल बाय भी हो रहा है जुलाई में, क्योंकि जुलाई की अपडेट आ चुकी है, आज आपसे मैं वो शेयर करूंगा। और एक चीज आपको और भी बताता हूँ कि देखें टेलीग्राम का चैनल आपने लाजमी ज्वाइन करना है मेरे भाई, क्योंकि वहां पे आपको जो प्रोडक्ट मैं शेयर करता हूँ वो वेरीफाई और रियल अर्निंग के होते हैं। काफी ज्यादा दोस्त अर्निंग कर रहे हैं, आप भी अर्निंग करें, क्योंकि वो फ्री की और फ्री माइन एप्लीकेशन होती है। तो आपने मिस नहीं करना, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि आगे चल के आपको एथनी की अपडेट भी टेलीग्राम पे मिलेगी और एक बोर्ड भी आपको मिलेगा जिससे आप जो है अर्निंग कर सकेंगे एटीएच। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे सीन क्या है। अब यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं कि यहां पे इन्होंने ये अपडेट दी हुई है कि भाई जुलाई में जो है इसकी प्राइस $1 होगी एक एटीएच की। अब जुलाई में एक एटीएच की प्राइस $1 होगी और साथ में इन्होंने ये कहा है कि यहां पे जो है ना मार्केट में ये जो अटैक ऑन द क्रिप्टो ऑन मार्केट यानी कि टेलीग्राम पे भी हो सकता है इनका एक बोर्ड आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि टेलीग्राम पे अगर इनका बोर्ड आ जाता है माइनिंग का, क्योंकि आज कल जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना बगैर टेलीग्राम के नहीं चल रहे, क्योंकि कम्युनिटी इतनी बढ़ चुकी है टेलीग्राम पे कि टेलीग्राम ने जब से ये नोट को लिस्ट किया उसके बाद जो है ना टेलीग्राम के जो है ना भाई दिन अच्छे आ गए। और इतनी कम्युनिटी है कि जो भी अब एयर ड्रॉप वगैरह आता है या फिर फ्री की मैन एप्लीकेशन आती है वो कोशिश कर रही है कि हम टेलीग्राम पे आ जाए, क्योंकि वहां पे उसको अच्छी खासी कम्युनिटी मिल रही है। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं क्या ये लिस्ट भी हो रहा है, कि उन्होंने एक अपडेट दी है लिस्ट के रिलेटेड कि काफी जो है ना कंफ्यूजन है दोस्तों को। तो हमें 5 एक्सचेंज पे हो सकता है जुलाई में लिस्ट हो जाए एटीएच। अगर ये 5 जो है ना एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है तो इसकी जो है प्राइस $1 से यानी कि सेल होगा एक एटीएच, क्योंकि काफी ज्यादा दोस्तों को बेचेनी है सेलिंग की। तो वेट करते हैं जुलाई का और हम देखते हैं कि आगे सीन क्या है। बहरहाल आपको ये बता देता हूं ये अपडेट उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो P2P पे जिनके पास जो डॉलर पड़े हुए या फिर जो डॉलर लगा के एटीएच ले रहे हैं उनके लिए ये बात जो है ना थोड़ी सी साबित अच्छी हो सकती है, अगर उन्होंने डायमंड पैकेज लिया हुआ होगा। क्योंकि आपको पता है जो जिनका डायमंड पैकेज लिया हुआ है वो ही P2P पे मजे कर रहे हैं, बाकी तो सब ऐसे देख रहे हैं। यू समझ लो कि अमीरों के मजे गरीब साइड में हो गए, ठीक है भाई। ये एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन इसको कहते हैं, फ्री मैन एप्लीकेशन नहीं कहते, ये मैं आपको बता देता हूं। और इसको जो ना मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 100% जो है इसको रियल मत समझना, क्योंकि इस पे काफी ज्यादा स्कैम के भी चांसेस हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है, सोच समझ के इस पे आपने आगे वर्क करना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हम जो है ना ओपन करते हैं यहाँ पे एथनी अगर हम ओपन करते हैं तो हमें कुछ जो है ना न्यू फ्यूचर मिले हुए हैं। अब ये न्यू फ्यूचर कौन से हैं और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे ये AP2 जो लिखा हुआ है ये क्या चीज है। अब यहाँ पे आपको पता है लोयन टोकन तो हम माइन करते थे ना डेली, अब लोयन टोकन का तो हमें पता है कि भाई 1 GM पे 150 मिला था फिर 80 मिले थे। अब यहाँ पे सेम तरीके से एक मीम क्वीन आ रहा है जिसका नाम है AP2P, यानी कि ये अगर आएगा तो इसके जो है ना हमें 1 GM पे कितने यानी कि जो है ना एक AP2P मिलेंगे, इसकी नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दूंगा, क्योंकि अब तक इसकी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा। और इसकी अपडेट एक दो और भी आ चुकी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वोटिंग है, वोट अब ये क्या होंगे अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद अर्न है, अर्न का तो मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं इसकी $1 प्राइस की, क्या ये आम बंदा भी सेल बाय कर सकता है या फिर नहीं। अभी तक तो इस तरह की कोई अपडेट नहीं आई है कि अगर आप इसको सेल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बात करें एक्सचेंज की हो सकता है अगर किसी एक्सचेंज पे आ जाता है तो फिर चांसेस हैं, एक्सचेंज पे आना बहुत मुश्किल है इनका। ये वॉलेट पे आ सकते हैं, किसी वॉलेट में आ सकते हैं, जैसे कि किसी वॉलेट में आएंगे तो एथेरियम की फीस लगेगी और एथेरियम की फीस भी थोड़ी बहुत नहीं हो लगती, आपको पता है जो भी चीज एथेरियम पे आती है ना हाई फाई उसकी फीस होती है, हालांकि उसको प्राइस इतनी नहीं मिलती जितनी उनकी फीस होती है। सिंपल आपको मैं दिखा देता हूँ ये वॉलेट, ये अपना लोयन टोकन भी एक दिन वॉलेट पे अभी लिस्ट हुआ था तो इसकी अब फीस इतनी थी कि किसी ने इसको क्लेम ही नहीं किया। तो बहरहाल अब बात करते हैं 1 जुलाई पे कि क्या ये सच में टेलीग्राम पे भी आ रहे हैं और क्या ये सच में किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको इसकी अपडेट सबसे पहले मैं ही दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।